जय दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा होगा। जी गाइस, और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं फिर से आ गया हूं एक बेहतरीन चैप्टर लेके, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। जी हाँ दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ का विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 8। तो चलिए आज शुरू करते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से वीवीआई क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है। आइए देखते हैं सर, बोलता है हाउ डिड जीट क्लासा फाइंड ईटिंग बाय फॉर्मूला और हार्ट ट्रायल। कैसे जीट क्लासा को लगा कि ईटिंग बाय जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो बड़ा हार्ट ट्रायल। ईटिंग बाय फॉर्मूला का कहने का मतलब, माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कहने का मतलब है माई डियर फ्रेंड्स, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ था तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि जब जीट क्लासा डाइनिंग टेबल के रूम में पहुंची थी ना सर, तो ऐसा लग रहा था उसे कि फॉर्मूला के द्वारा खाना खा रहे हैं। कैसे सर? जब पहला बेल बजना था उसके बाद वहां से चेयर निकलना था, सेकेंड बेल बजना था तब वहां पर बैठना था, और तीसरा बेल बजना था तब वहां पर खाना स्टार्ट करना था, लेकिन यह बात जीट क्लासा सा को पता नहीं था, राइट? तो कैसे जीट क्लासा सा को लगा कि जो खाना जो फॉर्मूला के द्वारा, ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला के द्वारा खाना खा रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल ट्रायल था। कैसे सर? देखते हैं। बोलता है सी डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था व्हाट टू डू, कि क्या करना है, उसे नहीं पता था कि क्या करना है व्हेन द वेरियस बेल वर टैप्ड। जब अलग अलग बेल बजेगा ना सर, तो मुझे क्या करना है वो जीट क्लासा को पता नहीं था। एंड और वी हैव अनलाइक अदर, और दूसरों से बिल्कुल अलग ही बिहेव कर रही थी। सभी लोग जब खड़े थे तो बेचारी बैठ गई थी, और एज जब खड़ी हुई तो सारे लोग बैठ गए थे, है ना? तो दूसरों के कंपेरिजन बहुत अलग ही बिहेव कर रही थी। व्हेन द फर्स्ट बेल रैंग, जब पहला बेल बजता है, ईच वन ड्रीव अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। ठीक है, जब पहला बेल बजता है ना, तो सभी लोग टेबल से चेयर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद सी ऑल्सो पुल्ड हर चेयर आउट एंड सीट ऑन इट, वो भी चेयर निकालती है, वो भी चेयर बाहर करती है एंड सीट ऑन इट, और वो लड़की क्या कर जाती है, जीट क्लासा सा उस चेयर पे बैठ जाती है। लेकिन वहां पर बैठना नहीं था, उस समय सिर्फ चेयर निकालना था, राइट? लेकिन सिस्टम है, कानून जीट क्लासा सा बेचारी को नहीं पता था सर। आगे बढ़ते हैं। बट ऑल द अदर्स रिमेन स्टैंडिंग, ऑल द अदर्स रिमेन स्टैंडिंग, और भी उस हॉल में, डाइनिंग रूम में जितने भी लोग थे ना, सारा का सारा खड़े रह गए। ठीक है, सो इसलिए से फेल्ट साई, इसलिए बेचारी को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस लगता है, हाँ ना, किसे, जीट क्लासा को। आगे बोलता है द सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, जब सेकेंड बेल लगा, जब दूसर का बेल लगा, ऑल वर सीटेड, सारे के सारे लोग बैठ गए। जब सेकेंड बेल लगा ना सर, तो सारे सारे लोग क्या हो गए, बैठ गए। अ पैल फेस वुमेन वॉच हर केयरफुली, और वहां पर एक पैल फेस वुमेन थी, एक औरत थी जो बहुत ध्यान से देख रही थी सर, किसको, जीट क्लासा को। ठीक है, आफ्टर द थर्ड बेल, और तीसरा बेल के बाद एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोर्क, प्रत्येक लोग अपना चम्मच वगैरह उठाते हैं, है ना, एंड बिगन ईटिंग, और क्या करता है, क्या करते हैं, अरे सर खाना शुरू कर देते हैं सर, बिगन ईटिंग, खाना शुरू कर देते हैं। बट लेकिन सी बिगन टू क्राई, लेकिन वो जो जिटकलासा साथी वो रोना शुरू कर देती है। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यों जिटकलासा सा को लगा कि ईटिंग बाय फॉर्मूला ये बड़ा हार्ड ट्रायल है, तो क्यों कहा गया आपको पता चल गया होगा सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड जुडविन टेल। जी हाँ, व्हाट डिड जुडविन टेल, जुडविन कौन थी, हाँ सर, जीट क्लासा सा की फ्रेंड थी। जुडविन क्या कही जीट क्लासा को, हाउ डिड सी रिएक्ट टू इट, और ये जो जीट क्लासा थी वो कैसे उस पर रिएक्शन करती है, कैसे रिएक्ट करती है, देखते हैं सर। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन चूंकि थोड़ा बहुत इंग्लिश जी उसको पता था, थोड़ा बहुत अंग्रेजी वो जानती थी, अमेरिका में रही थी, है ना। She had overheard the pale face woman. उन्होंने pale face woman को सुना था, क्या सुना था सर, She was talking about cutting their long heavy hair. वो सुनी थी कि तुम्हारा जो लंबा लंबा जो बाल है ना, वो जो वुमेन है ना, वो जो औरत है ना, वो बोल रही कि तुम्हारा बाल को काट दिया जाएगा, जो हेवी बाल है, जो घना बाल है, जो लंबा लंबा बाल है, साले बाल को क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, जुडविन सेड, ये बात को कौन कहा, जुडविन कही, वी हैव टू सबमिट, और लड़की बोलती कि हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा, हम लोग को बाल कटवाना पड़ेगा, क्यों सर, क्यों, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्यों, क्योंकि सर वे लोग स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वे लोग सर मजबूत हैं, है ना। जीट क्लासा सा रिबल्ट, लेकिन जीट क्लासा सा इसके विरोध करती है, कहती कि ना
मैं तो नहीं सबमिट करूंगी, ठीक है। सी डिक्लेयर्ड, वो डिक्लेयर करती है, बताती है दैट कि सी वुड नॉट सबमिट, वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं सबमिट नहीं करने वाला हूं, मैं बाल को कटवाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं बाल को नहीं कटवाऊंगा। लड़की बोलती है मैं बाल को नहीं कटवाऊंगी, सी वुड स्ट्रगल फर्स्ट, सबसे पहले स्ट्रगल करेगी, आखिरी सांसों तक लड़ेगी, राइट। कौन? जीट कलासा। तो ऐसे रिएक्ट करती है जीट कलासा जब जुडविन उनको बताती है जीट कलासा को सारा बातें। कोई दिक्कत है यहां तक सर? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी सर। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए रहा सर क्वेश्चन नंबर थर्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा लंबा है, देखने में आपको लग रहा है बड़ा भर दिए हैं सर, बुढ़ा का बड़ा बोर्ड भर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिएगा सर ध्यान से। बोलता है आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं सबमिट नहीं करूंगी, मैं पहले स्ट्रगल करूंगी, कहने का मतलब बाल जब कटवाने जाना था है ना, तो बोलती कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगी, सबसे पहले मैं स्ट्रगल करूंगी, है ना। सेज जीट कलासा, ये बात को कौन कहता है? जीट कलासा बोलती है व्हाट वाज सी गोइंग टू रेसिस्ट एंड व्हाई, ठीक है, वो क्या विरोध करने वाली थी और क्यों विरोध करने वाली थी, ठीक है। व्हाट एफर्ट डिड सी मैक, कौन सा प्रयास वो लड़की की, एंड व्हाट वाज आउटकम, उसका आउटकम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, क्लियर हो रहा, क्लियर हो रहा, बिल्कुल सर। देखते हैं आंसर, बोलता है जीट कलासा सा हैड लॉन्ग हेवी हेयर, जीट कलासा सा के पास लंबा लंबा और हेवी बाल था, हेवी यहां पर कहने का मतलब बहुत ही घना बाल था उसका, ठीक है। हर फ्रेंड जुडविन हैड ओवरहर्ड द पैल फेस वुमेन, उसकी जो फ्रेंड जो जुडविन थी ओवरहर्ड, उन्होंने सुना था कि पैल फेस जो वुमेन थी जो औरत थी, टॉक बातें कर रही थी सर, बातें कर रही थी दैट कि देयर हेयर वॉज टू बी सिंगल्ड, कि उनका जो बाल है ना उसका सिंगल किया जाएगा, काटा जाएगा सर। जीट कलासा डिक्लेयर्ड, सॉरी जीट कलासा डिसाइडेड, तो जिस कलासा सा डिसाइड करती है, निर्णय करती है टू रिसिस्ट, क्या करने के लिए सर, विरोध करने के लिए, उसका खिलाफ जाने के लिए वो डिसाइड करती है, निर्णय करती है। अकॉर्डिंग टू जीट कलासा के अनुसार, According to Jit Kalasa, short hair was owned by the mormor. Short hair mormor के द्वारा रखा जाता था, ठीक है। जैसे किसी के घर में अगर कोई देहांत वगैरह हो जाता है, उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, पूरा छोटा छोटा बाल करवा लेते हैं, राइट। तो बोलती है कि मॉर्मर लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बाले रखते हैं, ठीक है। सिंगल हेयर बाय द कोवर्ड, डरपोक के द्वारा क्या किया जाता है, छोटे छोटे बाल रखा जाता है ना। वैरियर्स कैप्चर्ड बाय द इनमीज, और अगर कोई योद्धा अगर किसी दुश्मन के द्वारा अगर पकड़ा गया, Also got their hair singled, तो उनका भी बाल क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है सर, ठीक है। कटिंग अ वुमेन्स लॉन्ग हेयर, किसी औरत के लंबे लंबे बालों को काटना was thus against, वो खिलाफ है, किसके खिलाफ है, their tradition, उनके परंपरा के खिलाफ है, एंड their culture, और उनके कल्चर के खिलाफ है, ऐसा कहना है किसका, जीट कलासा सा का। आगे बढ़ें, बिल्कुल सर, देखते हैं। She tried to avoid it, उसे बचने की कोशिश करती है ना। She hid herself under the bed, अपने आप को hid कर लेती, छिपा लेती है बेड के अंदर। She had crowded to corner of farthest from the door, ठीक है, दरवाजा था जिस रूम में वो अंदर गई थी, वो दरवाजा जो सबसे farthest, सबसे दूर जो कोना था, वहां पर जाकर अपने आप को छिपा लेती है। सुन, जल्द में ही she heard her name was shouted in the hall, अब वो जल्द में उसको सुनाई देता है कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, कहां पर, हॉल में, कैसे, जी हां सर, ऐसे जीट कलासा है ना, इस तरह से नामों को पुकारा जा रहा है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ देर बाद होता क्या है सर, लेकिन आफ्टर सम टाइम सम वीमेन एंड गर्ल, कुछ जो औरतें लोग, कुछ लड़कियां लोग इंटर द रूम, रूम में एंट्री करती है, रूम में आती है। दे ओपन द क्लोजेस्ट डोर, ठीक है, वहां जो क्लोजेस्ट डोर होता है, दरवाजा जो होता है उसको खोलती है। पिप्ड बिहाइंड अ लार्ज ट्रंक, वहां पे ट्रंक रखा होता है, उसके तरफ झांकता है, कितना लोग इधर तो नहीं लुकाई है बेचारी, है ना। समवन थ्रू ऑफ द कर्टन, और वहां पर खिड़की था, खिड़की में पर्दा लगा हुआ था, कुछ लोग वहां पर पर्दा को हटा देता है, है ना। द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और सडन लाइट कहने का मतलब अचानक से पूरा का पूरा रूम एकदम भर जाता है, क्या चीज से सर, लाइट से। कोई डाउट यहाँ तक सर? बिल्कुल नहीं सर। Someone looked, और उसी में से कुछ व्यक्ति someone looked under the bed, और उसी में से कोई व्यक्ति बेड के अंदर झांकता है। And saw her there, और वहां उनको देख लिया जाता है कि चोटी यहीं पर छिपी है, है ना। उसके बाद उसको निकाला जाता है। देखते हैं सर। She was dragged, drag का मतलब है सर घसीट कर निकालना, है ना। तो वही बोलता है She was dragged out, उसको घसीट करके निकाला जाता है। Through she resisted by kicking, लेकिन फिर भी वो लड़की क्या करती है, resist करती है, विरोध करती है, kicking मतलब kick मतलब पैर से मारती है, and
और स्क्रैचिंग वाइडली, बहुत ही ज्यादा स्क्रैचिंग करती है, मतलब ऐसे ऐसे पूरा हाथ वगैरह मारती है ना, नहीं जाने के लिए मतलब पूरा स्ट्रगल करती है वो लड़की, निकलने के लिए स्ट्रगल करती है, नहीं निकलने के लिए कि मैं बेड से नीचे निकलूंगी नहीं, ना तो तुम लोग छोटे लोग मेरा बाल काट दोगे, है ना। सी वॉज कैरिड डाउन स्टेयर, लेकिन फिर भी उसको टांग के सीढ़ियों से नीचे लाया जाता है एंड टाइड फास्ट इन द चेयर, और कस के उसे चेयर के चेयर में बांध दिया जाता है, कुर्सी में बांध दिया जाता है। सी क्राइड अलाउड, वो बहुत जोर से चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है एंड केप्ट शेकिंग हर, और अपना सर को हिलाती रहती है, हेड टिल द सीजर कट हर लॉन्ग हेयर, और तब तक हिलाती है जब तक उसका पूरा का पूरा बाल कट नहीं जाता है, मतलब अंतिम सांसों तक बेचारी विरोध करती है उससे बचने के लिए, लेकिन अंततः वो बच नहीं पाती है। कौन सर? जीट क्लासा। अंततः उसके बालों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है सर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अब इसे जरूर बहुत अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे बोलता है, व्हाट एडवाइस डिड एनन ऑफर बामा, ठीक है। एनन कौन था सर? जी हां सर, उसका भाई था। तो एनन ने अपने बामा सिस्टर को क्या एडवाइस दिया? व्हाट वाज द रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, देखते हैं सर। एनन एडवाइस बामा, एनन ने एडवाइस किया बामा को टू स्टडी विद केयर, कि भैया आप ध्यान से पढ़ो, भैया नहीं सर, बहन जी आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, एंड लर्न ऑल दैट सी कुड, और सारी चीजों को तुम याद कर लो जितना तुम याद कर सकती हो, है ना। इफ सी वॉज Always ahead in the lesson, यदि तुम हमेशा lesson में, पाठ में, है ना, यानी कहने का मतलब यदि पढ़ाई में आप हमेशा अगर आगे रहोगे, ठीक है, people would come to her of their own accords, लोग अपने आप ही आपके पास क्या करेंगे, आएंगे, attach themselves to her, और अपने आप ही तुमसे attach रहेंगे, तुमसे मिले जुले रहेंगे, है ना। Bama followed her brother एडवाइस, बामा थी अपने भाइयों के एडवाइस को क्या करती है, फॉलोड करती है सर, मानती है सर, एंड स्टडी हार्ड, और बहुत कठिन मेहनत करती है, बहुत ही मेहनत करती है पढ़ाई में। सी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, और उसके बाद वो बेचारी फर्स्ट आती है कहाँ पर, क्लास में फर्स्ट आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसी के चलते मेनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड, और उसी के चलते बहुत सारे लोग उसके क्या हो जाते हैं, फ्रेंड हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, किसके सर, बामा के। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा सर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलता है, व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड बामा, कौन सा ऐसा चीजें थी जो बामा को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, ड्यूरिंग द वे होम टू स्कूल, यानी कि स्कूल से जब वो घर आती थी तो कौन सा ऐसा चीजें थी जो कि बामा को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, जिसके चलते घर आने में बामा को क्या हो जाता था सर, लेट हो जाता था सर। देखते हैं सर, बोलता है, ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल, मतलब वापस स्कूल से बैक आते समय, मतलब घर आते समय, बामा अटेंडेड अ वेरियस ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, बामा को अलग अलग चीजों को अटेंड करना पड़ता, मतलब अलग अलग चीजें उसको देखने को मिलता था, ठीक है, विच अट्रैक्टेड हर, जो कि उसको क्या करता था, आकर्षित करता था। देखते हैं क्या देखती थी, सीसा, वह देखती थी ड्राइड फिश शॉप, ठीक है, कहीं पर देखती कि सूखा सूखा मछलियों का दुकान है, हाँ ना, वहां पर सूखा करके मछलियों को बेचा जा रहा है। द स्वीट स्टॉल, मिठाई का दुकान देखती थी, एंड और द स्टॉल सेलिंग टेस्टी स्नैक्स, और कुछ स्नैक्स वगैरह बेचते थे। देन तब देयर वर, और भी वहां पर चीजें थी, जैसे कि लीमर्स फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से लीमर्स लाते थे, और वहां पर वो बंदरों का नाटक वगैरह दिखाते थे, उससे वो अट्रैक्ट हो जाती थी। नीडल्स एंड थ्रेड, सुई और धागे, उसको देख अट्रैक्ट हो जाती थी। क्लेब बीट्स, मतलब मिट्टी से बना हुआ मोतिया जो था, उससे देखकर अट्रैक्ट हो जाती थी। एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग ईयर, और कान को साफ करने का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको देखकर अट्रैक्ट हो जाती थी। एंड मेनी मोर, और इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे चीजें हैं जिसको देख करके बामा अट्रैक्ट हो जाती थी, कहाँ, उस सारे चीजों की तरफ, मार्केट में, बाजार में। कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर सिक्स रहा सर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बोलता है, Why did landlord man ask Bama's brother? मतलब जो landlord जो man थे, जो वो व्यक्ति लोग थे, क्यों ask की, मतलब क्यों पूछे बामा के brother से, यानी कि एनन से, ठीक है। On which street he lived? कि सर कौन सा गली में वो रहता है, हाँ ना, कौन सा गली में रहता है, उन्होंने क्यों पूछा। What was the significance? इसका क्या significance है, इसका क्या महत्व है, देखते हैं सर।
बोलता है द लैंडलॉर्ड मैन आस्क बामास ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड। जो लैंडलॉर्ड जो मैन थे आस्क यानी कि पूछा बामा के ब्रदर से, ठीक है, ऑन विच स्ट्रीट ही लिव्ड, कि कौन सा गलियों में वो रहता है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हिज कास्ट। किस लिए पूछा? ताकि इसका कास्ट पता चल सके, ताकि इसका जाति पता चल सके। पुट आउट सर, नहीं सर, ड्यूरिंग दोस टाइम, उस समय, ठीक है, व्हेन अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, वाज प्रिवलेंटेड, वो क्या चीज था, बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, बहुत ज्यादा छुआछूत को लोग क्या करते थे, मानते थे। ईच कास्ट लिव इन द पर्टिकुलर स्टेट, स्ट्रीट सर, स्टेट नहीं सर, स्ट्रीट, यानी कि प्रत्येक जो कास्ट का जो व्यक्ति लोग था ना सर, एक खास किसी गली में रहता था, कोई खास गली। हाँ सर, इस गली में सिर्फ हरिजन लोग रहेगा, इस गली में सिर्फ यादव लोग रहेगा, इस गली में सिर्फ पंडित लोग रहेगा, राइट, इस तरह का उस समय होता था, ठीक है। एंड और बाय इंक्वायरिंग अबाउट द स्ट्रीट, और गलियों को पूछने के द्वारा, है ना, यानी कि आप किसी का भी अगर आप गली पूछ लो कि तुम कौन से गली में रहते हो, ठीक है, वेयर ही लिव, कहां वह रहता है, हेल्प टू डिटरमाइन हिज कास्ट, वहां से पता चल जाता था उनका कास्ट कि सर कौन जाति का है। अगर वो गली में रहता है तो हाँ सर, उस गली में तो सिर्फ हरिजन रहता है तो लोग हरिजन है, उस गली में रहता है तो उस गली में तो सिर्फ पंडित लोग रहता है तो ये भी पंडित है, राइट। तो इस तरीके से लोग कास्ट पूछने के लिए क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड लोग हैं बामा के भाइयों से उसका क्या पूछते हैं, गली पूछते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बिल्कुल पता होगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाई वाज जिटकलासा सा इन टियर, क्यों जिटकलासा सा टियर में थी, आंसू में थी, कहने का मतलब क्यों जिटकलासा सा रो रही थी ऑन द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल, ठीक है, सेव से भरी धरती पर, ठीक है, जब पहली बार जिटकलासा सा चल रही थी तो क्यों जिटकलासा सा के आंखों में आंसू थे पहला ही दिन, क्यों था सर, आइए देखते हैं। बोलता है ऑन द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल, सेवो से भरी धरती पर पहली बार, ठीक है, जिटकलासा वाज इन टियर, जिटकलासा जो थी आंसू में थी यानी कि रो रही थी, द मेन रीजन, जो मेन जो रीजन था ऑफ हर ऑफ टीयर्स, उसके आंसुओं का, ठीक है, वाज दैट, वो ये था, हेयर वाज मर्सियली कट, कि उसका जो हेयर था ना सर वो मर्सियली काटा गया था। मर्सियली कहने का मतलब बेरहमी से, जैसे भेड़ का बाल काटा जाता है ना, आपने देखा होगा भेड़ का बाल काटते हुए, उस तरीके से बेरहमी से उसके बालों को काटा गया था, और इसीलिए जो जिटकलासा थी टीयर्स में थी यानी कि उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। सी हार्ट, सी हैड हर्ड, उन्होंने सुना था फ्रॉम हर मदर, किससे, अपनी माँ से उन्होंने सुना था, दैट की ओनली अनस्किल्ड वैरियर, जो अनस्किल्ड जो वैरियर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो बेवकूफ योद्धा होते हैं, हु वर कैप्चर्ड, जिसको पकड़ लिया जाता है, हैड देयर हेयर सिंगल्ड, उसका ही बात को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, छोटे छोटे कर दिया जाता है, बाय द इनमिज, किसके द्वारा, उनके दुश्मनों के द्वारा, दैट इज वाई, इसीलिए सिसुक हर हेड इन रेजिस्टेंस, और इसीलिए वो विद्रोह करती है अपने बालों को बचाने के लिए, अपने बालों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा अपने सर को हिलाती है, लेकिन अंततः उसका बाल बचता नहीं है, अंततः उसका बाल को क्या कर दिया जाता है, सर काट दिया जाता है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं सर, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है व्हाट डिड बामा फील लाइक लाफिंग, बामा को हंसने का मन क्यों कर रहा था, क्यों उसे हंसने का मन कर रहा था, ऑन सीइंग द वे, ऑन सीइंग द वे इन विच द एल्डरली मैन, जो एल्डरली मैन था, जो उम्र में थोड़ा सा ज्यादा था व्यक्ति, ठीक है, वॉज कैरिंग अ पॉकेट, मतलब किस तरह से जो जिस तरह से थैला पकड़ा हुआ था, उस तरीकों को देख करके बामा को हंसने का मन क्यों कर रहा था, बामा को हंसने का दिल क्यों कर रहा था, देखते हैं सर। व्हेन बामा वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर स्कूल, जब बामा रिटर्न हो रही थी कहां से सर, स्कूल से, सिसा एंड ओल्ड मैन, उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फ्रॉम देयर स्ट्रीट, जो कि उनका ही गली का था, कोई अलग कोई दूसरे जगह से बूढ़ा नहीं था, उसी का गली का था, तो लड़की जो थी, जो बामा थी, लड़की को इसी की वजह से जो बामा थी उस बूढ़े को क्या कर ली थी, पहचान ली थी, ठीक है, होल्डिंग अ पॉकेट ऑफ विदाई, जो कि एक पॉकेट पकड़ा हुआ था, पॉकेट में क्या चीज था, विदाई था, विदाई यानी कि एक फ्राइड स्नैक होता है जो हम लोग नाश्ते में लेते हैं, ठीक है, तो उसको वो पकड़ा हुआ था, ठीक है, बाय इट्स स्ट्रिंग हैंडल, स्ट्रिंग के हैंडल के द्वारा, हैंडल कुछ भी चीज को पकड़ने वाला होता ना गाइस, लेकिन जो पॉकेट था, जो थैला था, उसमें बहुत लंबा एक रस्सी लगा हुआ था, और उसको रस्सी को एक हैंडल के रूप में क्या कर रहा था, वो बूढ़ा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था, और उसको चुपचाप इस तरह से पकड़ा हुआ था, इस तरह से पकड़ा हुआ था पॉकेट पूरा, है ना, इतना बड़ा मान लो रस्सी है और यहाँ पर ऐसे पॉकेट है, राइट, तो इस तरह से पकड़ा हुआ था ताकि इसका जो हाथ है वो पॉकेट में टच ना हो, अगर पॉकेट में टच हो गया तो जो लैंडलॉर्ड है वो गुस्सा भी सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं आंसर क्या बोलता है, हैंडल, ठीक है, एंड हैंड इट ओवर टू द लैंडलॉर्ड, उसको जा करके लैंडलॉर्ड को दे देता है, जमींदार को दे देता है,
विथ मच रिस्पेक्ट, और ऐसे नहीं देता है, एक बहुत इज्जत के साथ, एक बहुत ही सम्मान के साथ उसको जाकर देता है। दिस एक्ट ऑफ ओल्ड मैन, ये जो एक्ट था, जिस तरीके से जो एक्टिंग देखी, किसका, उस बूढ़े व्यक्ति का, उस बूढ़े व्यक्ति का मैड बामा लाप, और उसी की वजह से बामा को हंसने का दिल किया। एज सी हैड नो आइडिया, जैसा कि उसको कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, कोई इसको पता नहीं चल रहा था वाई ही वॉज बिहेविंग दैट वे, कि क्यों वो जो बूढ़ा व्यक्ति था इस तरीके से, दैट वे मतलब क्यों इस तरीके से वो क्या कर रहा था, बिहेव कर रहा था, राइट। और इसी की वजह से उसको कोई पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि हाँ वो अनटचेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो बूढ़ा व्यक्ति अगर उस थैला को अगर टच कर देगा तो ये जो चुट्टा लैंडलॉर्ड है उससे नहीं खाएगा, उसको मारना भी, मार भी सकता है, पीट भी सकता है, डांट भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, है ना। वो बूढ़ा व्यक्ति को पता था, इसी की वजह से उसे स्टिंग के द्वारा पकड़ा हुआ था, लेकिन ये बातें बामा को पता नहीं थी, क्योंकि बामा छोटी बच्ची थी सर, कोई डाउट सर। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 8 से वीवीआई क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और इसके बाद अब एग्जाम में जाकर बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।